हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्नोलॉजी फॉर वर्ल्ड में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईबीएम की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी आया है सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में। और जानते हैं कि आईबीएम बहुत बड़ी कंपनी है, तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में एक अपॉर्चुनिटी निकाला है जिसका जॉब लोकेशन कर्नाटक यानी कि बैंगलोर होगा। यहाँ पर कैटेगरी आप देख सकते हैं, रिक्वायरमेंट एजुकेशन बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, एंट्री लेवल आपका है, ये पोजिशन टाइप एंट्री लेवल है और बहुत अच्छा मौका है बैचलर डिग्री वाले बच्चे के लिए। इम्प्लॉयमेंट टाइम फुल टाइम होगा, रेगुलर होगा और यहाँ पर ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपका वर्क फ्रॉम होम होगा। आप समझते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, फुल स्टैक के रूप में काम करने का मिलेगा, ऑटोमेशन ग्रेजुएट होगा, हायर जगह विद एक्सेलेंस एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए आपके अंदर। उसके बाद यहाँ पर अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी की देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा, डेवलपमेंट करना पड़ेगा, मेंटेनिंग करना पड़ेगा, सपोर्टिंग रोल में भी आपको मिल सकता है, साथ ही साथ डेवलप क्लीन यानी कि एफिशिएंट एंड रीजनेबल कोड आपको मिलेगा मौका ये सब करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि आपको टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या की आपको आनी चाहिए, जावा आना चाहिए, गो लैंग्वेज भी आनी चाहिए, पाइथन होना चाहिए, जितनी भी सारी यहाँ पर मेंशन किया गया है सारी चीजें का बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपको अगर वहां पर काम करने का मौका मिले तो आप धीरे धीरे जो है ग्रो कर सके इसमें। जैसे जावा पाइथन है, उसके बाद रिएक्ट है, नोड जेएस है, जावास्क्रिप्ट है, एंगुलर जेएस है, एचटीएमएल सीएसएस है, ये सारी चीजें आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। एपीआई डेवलपमेंट कैसे किया जाता है, एपीआई टेस्टिंग किया कैसे किया जाता है, एपीआई ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, सारी चीज आनी चाहिए। पाइथन का एक फ्रेमवर्क है एनेबल्स, इसको भी आपको लाइब्रेरी यूज करने आना चाहिए, गेटअप थोड़ा बहुत आना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इक्विवेलेंट, ठीक है। बैचलर डिग्री यहाँ पर मेंशन कर दिया गया कि कंप्यूटर साइंस वाले ही बच्चे और या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बच्चे जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब वही है। और यहाँ पर है और भी प्रोफेशनल एक्टिविटीज जैसे कि आईबीएम क्लाउड, एडब्ल्यूएस अजूर, डेवऑप्स एक्सपीरियंस, डॉकर, कुबरनेट्स, रेड हैट, अगर ये सब होता है तो आपको इसमें इसमें जो प्रोफेशनल है कि ये प्रोफेशनल एक्टिविटीज क्या है, ये मास्टर डिग्री के लिए, अगर कोई बच्चा मास्टर डिग्री में से अप्लाई कर रहा है तो उनके लिए ये सब सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, लिनक्स के बारे में भी होना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अप्लाई करने का सिंपल सा तरीका होता है कि आईबीएम में एक यहाँ पर प्रोफाइल बनता है, आईबीएम में अप्लाई करने का अप्लाई कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन और मेल आईडी में पूछ सकते हैं। थैंक्स।